जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा ये ब्लॉक कई पार्ट में डिवाइड है, उसी क्रम में चलते हुए अब हम आए हैं छतरियों के पास। ये बेतो नदी के किनारे छतरियाँ बनी हुई हैं काफ़ी सारी, और मेरे सामने बेतो नदी है, दिखाइए। और ये देखिए, ये बेतो नदी का किनारा है और ये बेतो नदी बह रही है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बोटिंग भी करवाई जाती है। साइड में बोटिंग कैंप बना हुआ है ये ऊँचाई पर। यहाँ पर बोटिंग के लिए आप यहाँ से अपना बुक कर सकते हैं और आप बोटिंग कर सकते हैं। और मेरे पीछे छतरियाँ बनी हुई हैं, देखिए एक एक करके। एक छतरी वो बनी हुई है, एक ये बनी है, और एक ये बनी है, एक ये बनी है। और ये बाबा जी एक बहुत ही अच्छा संगीत सुना रहे हैं। और काफ़ी सुंदर जगह है, ये नदी का किनारा है तो यहाँ ठंडक भी है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आकर के। और यही हैं छतरियाँ, और यहाँ पर आप नाइट में भी आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं नाइट में, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप बोटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे नाइट में काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, घूम सकते हैं, और बहुत ही सुंदर जगह है ये। और छतरियाँ भी देख लीजिए कितनी सारी बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 छतरियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर टॉयज हैं जिसमें आपके बच्चे खेल सकते हैं। पीछे बेतो नदी बह रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर राफ्टिंग भी करवाई जाती है, बोट राफ्टिंग। और ये छतरियाँ बनी हुई हैं मेरे अपोजिट में, दिखाइए एक बार। और यहाँ पे ये 3 4 5 6 7 छतरियाँ बनी हुई हैं। और ये नदी का किनारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर पे। और यहाँ पर बोट राफ्टिंग भी हो रही है, काफ़ी सुंदर जगह है ये। और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये छतरियाँ हैं और ये मैं नदी के किनारे में आया हुआ हूँ। यहाँ पर लोग नहा रहे हैं और यहाँ पर बोटिंग भी हो रही है, देखिए सामने बोटिंग चल रही है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर आके। नदी के उस तरफ एक रिजॉर्ट भी है और यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, बहुत सुंदर जगह है। और नाइट में जगह और भी सुंदर लगती है। और ये देखिए छतरियाँ आपको सारी दिख रही होंगी, देख लीजिए। बताना किसी का, बताना किसी का, बुरा ही बुरा जग में बताना किसी का, बताना किसी का, दिल दुखाना किसी जग कुल सघराना हो, चरण हो राख होके जहाँ सबे का ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राख होके जहाँ सबे का ठिकाना हो, मेरे राम मेरे thank you.
आई होप आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा और आप हमारे इस ब्लॉग को लाइक करें और कमेंट करें हमारे इस ब्लॉग में। जो भी कमियां हो आप कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं और आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें जिससे कि हम और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए बना सकें। और अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।